1962 वाला चीन आज भी यही समझता है कि वह अपनी पैंतरेबाजियों से भारत को छका सकता है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। साथ ही बदली है भारत की वो नीति जिसमें हिंदी चीनी भाई भाई का एक तरफा नारा जबरदस्ती भारतों की भावनाओं पर लाद दिया गया था। यह 21वीं सदी का वो भारत है जिसमें भारत को सुनने के लिए दुनिया को ठहरना ही पड़ता है। जो बकरी कुदान में यकीन रखते हैं वे एक और निपटू पड़ोसी से सबक ले सकते हैं, जिसकी इतनी बजा दी गई है कि लोगों ने उसकी गूंज सुनना ही बंद कर दिया है। पर चीन ने सबक नहीं लिया और ना ही चीन ठहरा। वह 3 दिसंबर के दिन आपे से बाहर हुआ और अपना एक चीनी अनुसंधान पोत सी यानवान अंडमान निकोबार के समीप जल क्षेत्र में घुसा दिया। शायद यही उसकी बड़ी गलती थी। अच्छा यह हुआ कि वह भारत निगरानी विमान P-8I के सामने से भागने में कामयाब रहा, अन्यथा आज भारत में इस विमान के कलपुर्जों पर अनुसंधान हो रहा होता। अब हालत यह है कि जान बची भागकर उल्लू घर को आए कि शर्मिंदगी पर पर्दा डालने के लिए चीन सफाई देता फिर रहा है। यानी पिछले महीने तियानमेन चौक पर जो चीन अपनी घटिया और सस्ते हथियारों का प्रदर्शन कर रहा था, वह एक P-8I निगरानी विमान के सामने पिछवाड़ा दिखाकर भागा। अपनी इज्जत बचाने के लिए चीन कहता घूम रहा है कि उनका पोत भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के पास से गुजरा था, उसने वहां कोई परीक्षण नहीं किया, बल्कि उसका मकसद सिर्फ पानी का उतार चढ़ाव मापना था। इसका मतलब यह है कि चीन अच्छे तरीके से उतार चढ़ाव माप चुका है। उसे पता लग गया होगा कि 1962 के बाद से इस क्षेत्र में कितना पानी बढ़ा है और किसका पानी बैठ गया है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि चीन इस पोत के जरिए भारतीय क्षेत्र में नौसेना की गतिविधियों की जासूसी करने की कोशिश में था। चीन ऐसा करके आक्रामक रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के चक्कर में है। अपनी सीमाओं पर मुस्तैद सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक लगने में वक्त नहीं लगा। उसके तुरंत बाद भारतीय नौसेना सक्रिय हो गई। नौसेना ने अपने एक युद्ध पोत को इसकी निगरानी के लिए भेजा, जिसके बाद भारतीय नौसेना ने चीनी अनुसंधान पोत को चेतावनी भेजी। फिर देखते ही देखते चीनी जलपोत भारत के जल क्षेत्र से बाहर भाग गया। संभवतः चीन के दिमाग में अभी भी डोकलाम की बेइज्जती का बदला लेने का फितूर सवार है। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत की सक्रियता के चलते उसे हर बार पिछवाड़ा दिखाकर भागना पड़ता है। कुछ दिनों पहले ही नौसेना के खोजी विमान P-8I ने हिंद महासागर में चीनी नौसेना के 7 युद्ध पोतों का पता लगाया था। इसके बाद भारत के एक्शन में आते ही उन्हें भी भागना पड़ा था। गौरतलब है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में मान्यता दी थी। इसके अंतर्गत दुनिया के सभी देशों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में समुद्री संसाधनों की खोज और दोहन पर अधिकार मिलता है। बिना अनुमति के कोई दूसरा देश इस क्षेत्र में दखल नहीं दे सकता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र का दायरा तट से 200 मील की दूरी तक फैला होता है। खास बात यह है कि भारतीय नौसेना मलेशिया के पास स्थित मलक्का जल डबरू से हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी चीनी जहाजों पर निरंतर निगरानी रखती है। पर इस वक्त चीन की जमकर किरकिरी हो रही है। इस किरकिरी की वजह उसकी विस्तारवादी नीति का पटाक्षेप है। भारत ने यह मुद्दा जोर शोर से उठाया है कि चीन उसकी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है। यानी मोदी की कूटनीति बिना युद्ध किए ही चीन की घेराबंदी करने की है। इससे पहले अरुणाचल में चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर भी भारत ने यही नीति अपनाई थी, जिसके बाद चीन ने अपने सैनिकों को वापस बुलाते हुए बयान जारी किया था कि इस तरह तो भारतीय सैनिक भी गलतफहमी में चीन के भीतर आ जाते हैं, लेकिन भारत सरकार उन पर कभी कोई हल्ला नहीं मचाती। यानी साफ है चतुर चीन को गोली से नहीं अंतरराष्ट्रीय दबाव की टोली से चित किया जा रहा है। वैसे कूटनीति में छल प्रपंच बेहद जरूरी होता है। भारत आज इसी को हथियार बनाकर चीन को छका रहा है। पाकिस्तान का पेट छोटा था, वह हजम नहीं कर पाया, इसलिए वक्त से पहले ही फटा पड़ा है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।